तो हेलो दोस्तों, खुशखबरी है आप सभी के लिए। तो आज आपके बात करने वाले हैं कि एयरफोर्स में निकाली गई है फिर से न्यू वैकेंसी, और वो निकाली गई है आप सभी की एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ पर। तो आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पर, क्वालिफिकेशन क्या है और सारी चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं। मगर यहाँ पर आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की 15 अगस्त है, और उन सभी के लिए खासकर मौका है जिनके एयरफोर्स में इस बार कम नंबर रह गए थे। आप लोग आराम से तैयारी करके इसमें अब अपना नंबर ला सकते हैं। तो भाई इसका जो नोटिफिकेशन है मैंने आपको अपलोड कर दिया टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप लोग सरकारी किसी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको प्रोवाइड कराया था, तो आप लोग वहां से ही देख लें तो बहुत बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो साथ में आपको यहाँ पर दिखाई देगा भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की, यहाँ पर आप सभी को वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। और यहाँ पर हर काम देश के नाम आपसे इस लाइन शुरू होगा, और आपके जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो होने वाली है 15 अगस्त, आपकी लास्ट डेट होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पर दो कंडीशन है, 10th के साथ आपका 12th पास हो या फिर आप सभी का ITI, ठीक है। दो अलग अलग वैकेंसी से ITI पास भी मांगा गया है और 12th पास भी मांगा गया है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 14 साल से लेकर 21 साल के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ रखी गई है, और यहाँ पर OBC वालों की 24 साल एंड आपका जो SC ST वाले हैं उनके लिए 26 साल की एज यहाँ पर रखी गई है। हाइट भी बहुत कम है, 137 सेमी ओनली हाइट, जिस किसी की भी है वो भी फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एयरफोर्स में। एयरफोर्स में जाने का आप सभी को मौका मिल सकता है। तो जानेंगे सारी चीज़ें यहाँ पर आप सभी का क्या क्या मांगा गया है और क्या क्या नहीं मांगा गया, तो आप लोगों को यहाँ पर वैकेंसीज के साथ साथ सारी चीज़ें दिखाई देंगी, आप लोग इसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं 1x1 आपको क्या क्या चाहिए और फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। तो भाई यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा आप सभी की इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना न्यू वैकेंसी, यहाँ पर दिखाई देगा आप सभी का एयरफोर्स स्टेशन अप्रेंटिस चंडीगढ़ वाली वैकेंसीज आप सभी की 3/2022, यानी कि आप सभी का जो 3/2022 की आपकी जो वैकेंसी एडवर्टीजमेंट यहाँ पर निकाला गया है आप लोग देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर बात करते हैं आप सभी के जो फॉर्म है अगस्त में, यानी कि आपके 1 से 2 दिन में भरने स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट आप सभी की है 15/8/2022, यानी कि आप लोग अपना फॉर्म आज से ही भर सकते हैं, और 15 तारीख आप सभी की लास्ट है। और फीस की बात करते हैं, फीस 0 रुपये है सभी की एंड मिनिमम एज 14 साल से लेकर 21 साल के बीच में, ठीक है, जो मैंने आपको भी बताई ही है। साथ में बात करते हैं यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो आप सभी की 152 वैकेंसीज निकाली गई हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसीज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे आप सभी को सारी वैकेंसी यहाँ पर दिखाई देंगी, ठीक है, आराम से देखें सभी को, और देखने के बाद आप लोग नीचे आएंगे फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए। और सिंपल आप लोग सरकारी रिजल्ट, सरकारी एग्जाम कोई भी वेबसाइट से फॉर्म को आप लोग ऑनलाइन यहाँ पर कर सकते हैं। बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या दी गई है तो वो भी देख लेते हैं। तो भाई आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप सभी का क्लास 10th आपके लिए बिल्कुल जरूरी है, साथ में आपका 12th हो या फिर आप सभी का ITI पास, ठीक है। या तो इसमें कुछ वैकेंसीज ऐसी हो सकती हैं जिसमें आपका ITI मांगा गया है, कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसमें ITI नहीं मांगा गया, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख लेंगे अपना जो पोस्ट आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें ही आपको दिखाई देगा, ठीक है, उससे पहले आपको नहीं पता चलेगा। साथ में जो यहाँ पर आप सभी की यहाँ पर दी गई है आप सभी का आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, आपका 50 KB का फोटोग्राफ आपका यहाँ पर लगेगा। साथ में आपका रिटर्न एग्जाम होगा जिसमें आपका मैथमेटिक्स होगा और आपका जनरल साइंस होगा, जनरल नॉलेज, ठीक है। तो आप आपके 3 चीज होंगी, आपका मैथ्स होगा, साथ में आप सभी का GK होगा और साइंस, ठीक है। तो ये आप सभी के आने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे बात करते हैं आप सभी के, नीचे तो वैसे कुछ नहीं दे गए, बाकी लोग आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई करें, जिसका अगर कोई भी डाउट बचता है तो आप लोग आराम से कमेंट करके बता सकते हैं। और बाकी जो भी आपका रिटर्न एग्जाम के भी कोई डेट आई हुई नहीं है, अगर आती है तो मैं आपको बता दूंगा, आप लोग आराम से फॉर्म अप्लाई करें, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं आराम से, ठीक है। तो लगभग आपकी 152 वैकेंसीज हैं, फॉर्म अप्लाई करें, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर आप सभी का इंडियन नेवी अग्निवीर MR & SSR की 1 of the best बुक आपको चीप प्राइस में ऑफलाइन मार्केट में मिलेंगी, ठीक है, ऑनलाइन में आप लोग परचेज कर सकते हैं, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। यहाँ पर चक्षु प्रकाशन की आप सभी लोग, तो यहाँ पर चक्षु प्रकाशन की आपको यहाँ पर बुक दिखाई दे रही होगी, नेवी MR की, SSR की भी है, ऑफलाइन बुक है, आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा इसलिए मैं आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ, ठीक है। आपका एग्जाम ऑनलाइन होता तो मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करता, ऑफलाइन एग्जाम आप लोग इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को अच्छे से लगभग 40 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, आराम से आप लोग लगाएं, और 40 प्रैक्टिस सेट में आपका बहुत ज्यादा मटेरियल आ जाएगा, साथ में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहां पर आप सभी को मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, साथ में इनका बेस्ट सॉल्यूशन आपको नीचे दिखाई देगा, ठीक है, सभी का विस्तार पूर्वक समझाया गया है, तो आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आराम से आप लोग करें, किसी का कोई भी डाउट आप लोग बता सकते हैं।